इजी को इंग्लिश में देखेंगे सेंटेंसेस जहाँ एक्सक्लेमेशन होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, मतलब जब हम किस हमारी जो फीलिंग्स है, उस फीलिंग्स हमारे अंदर कोई खुशी की फीलिंग आ रही है तो हम क्या करेंगे, कुछ चीज़ अच्छी लग रही, वाह, अरे, मतलब एक फीलिंग जो हमारे मुँह से सडनली निकलती है, कोई वर्ड होता है जो दिल से निकलता है फीलिंग, वो एक्सक्लेमेशन होते हैं, ये भाववाचक सेंटेंसेस जो होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ये भी छोटे होते हैं पर कहते हैं ना काम बड़ा ही करते हैं, छोटे सेंटेंसेस होते हैं, सिर्फ मैं आपको बोल दो, अगर आपको जैसे वाह बोलना, अरे वाह, तो हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में, एक अच्छा सा शब्द बहुत अच्छा लगता है, भारी भरकम, जैसे एक लगता है ना कि इंग्लिश हमारी कुछ इफेक्टिव है, मार्वलस, 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 इट मीन्स कि जो कोई आपके सामने कोई भी कंडीशन है कुछ है तो वो वाह, अरे वाह, मतलब इतनी अच्छी है कि आप जाहिर नहीं कर सकते, मावरस। शाबाश किसी को कहना हो तो ये सिंपल है, हम सब जानते हैं वेल डन का यूज़ किया जाता है। इन सेंटेंसेस की मेन पहचान होती है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है, लेकिन स्पीकिंग में तो हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है कि लगेंगे, ये तो कंपटीशन वगैरह एग्जाम में ग्रामर चीज़ें सीखनी है उनके लिए ये चीज़ें ज़रूरी होती है, अदरवाइज इंग्लिश स्पीकिंग में इसकी कोई नीड नहीं है, हम वर्ड्स से ही समझ जाएंगे कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। अरे, अरे कहना हो तो हम बोलते हैं हे, हे, कमाल कर दिया, किसी को हम कह रहे हैं कि कमाल कर दिया आपने तो हम बोलते हैं वंडरफुल, 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 बेशक, ऑफ कोर्स। वर्ड आपके ऐसे ही जो सुने हुए होते हैं, बस बोल कितना पा रहे हैं आप, कितना इसको स्पीक कर पा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, बाकी कोई भी वर्ड ऐसा नहीं होता जो आप ना सुन सके ना बोल सके, आपकी प्रैक्टिस जो है डिपेंड करती है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं, कितनी इनको बोल पाते हैं, बाकी आपको पता है कि जो वर्ड लिखे हुए हैं आप इन्हें अच्छे से जानते होंगे। ईश्वर का धन्यवाद हम क्या बोलते हैं, जो हमें कहना थैंक गॉड, थैंक गॉड, हम सडनली बोलते थैंक गॉड कि कुछ अच्छा हुआ, थैंक गॉड। फटाफट करिए, फटाफट करिए, तो ये क्या होता है, फटाफट हमें लगे सेंटेंस है इसमें तो कमांड या कुछ कमांड सी आ रही, लेकिन नहीं, हरी अप प्लीज, अगर आप किसी भी सेंटेंस में प्लीज ऐड करते हैं ना, किसी से कोई काम करवाना हो तो प्लीज़ जो ऐड करते हैं, जो फॉरेन इंग्लिश जो फॉरेनर्स होते हैं वो प्लीज़ बहुत यूज़ करते हैं, आप देखिएगा उनकी इंग्लिश स्पीक, प्लीज़, सॉरी, बात बात पर प्लीज़, सॉरी, एक्सक्यूज मी, वो बहुत यूज़ करते हैं, तो ये वर्ड भी आपको जो बहुत इफेक्टिव जो है आपकी लैंग्वेज में इफेक्ट जो है डालते हैं। नेक्स्ट है कितनी बुरी बात हम बोलते हैं, कितना मतलब कितना बुरा हुआ, जैसे हम कहते हैं हाउ, कितना बुरा हो गया, तो हाउ टेरिबल, हाउ टेरिबल, हाउ टेरिबल, बड़ी फिजूल की बात है, कि मतलब ऐसे फिजूल में ही बोलते हो, बड़ी फिजूल की बात है कि कितनी फिजूल बात है, हाउ एब्सर्ड, ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत हुई कैसे हुई, सेंटेंस में फिर वही लगेगा, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, फीलिंग आ रही है गुस्से में कि तुम्हारी तुमने हिम्मत कैसे कर दी, हाउ डेयर, हाउ डेयर यू से दैट, हाउ डेयर यू से दैट, जल्दी चलो, कहीं जल्दी जाना है तो हम बोलेंगे हरी अप, हरी अप, हरी अप, जल्दी करो, जल्दी चलो। नेक्स्ट वर्ड है सचमुच, जैसे कहते सचमुच ऐसा हो गया कि सडनली कुछ खबर कोई ऐसी मिल जाए कि तो सचमुच, रियली, रियली बोल कर दिखेगा, जब बोलेगी कोई फीलिंग आपसे आएगी दिमाग में से तो बोल कर देखना रियली, कितनी बेहूदगी है, कहते ना कितना बेहुदा है, कितना बेहुदा है, व्हाट नॉनसेंस, कुछ वर्ड क्या होते कितनी बेहूदगी, ऐसे कोई नहीं बोलता कितना बेहुदा है, एक बोलने का हमारा टोन भी होता है कि हम किस साइड से बिलोंग कर रहे हैं, तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे कैसे, कितना बेहूदा है, अब कितनी बेहूदगी है, इतनी सभ्यता से तो कहाँ बोलते हैं हम अपनी लैंग्वेज में, जिसकी ज़्यादा ही हिंदी अच्छी होगी वही बोलेगा, अदरवाइज कितना बेहूदा है बोल देते हैं,
कितनी बेहूदगी वाले, तो भाई साफ सुथरी इंग्लिश वाले हिंदी वाले होंगे, कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है। अब बच्चों को कहते हैं सेम सेम होगी, सेम सेम होगी, वॉट ये वही शेम है, वॉट ए शेम, कितनी शर्म की बात है, वॉट ए शेम, वॉट ए शेम। नेक्स्ट कितनी दुख की बात है, कितना दुख है, हाउ ट्रेजिक, हाउ ट्रेजिक, हाउ ट्रेजिक। इन सेंटेंसेज में जो है हेल्पिंग वर्ब यूज कहीं नहीं दिख रही होगी, इनमें हेल्पिंग वर्ब का देखिए यूज नहीं होता, सिंपल सेंटेंसेज आपके सामने होते हैं और यहाँ ही मेन पहचान होती है जो ग्रामर सीखने वाले हैं कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज जो है। व्हाट अ शेम लिखा हमने, कितने शर्म की बात है, तो इजारत तो कहीं यूज हुआ ही नहीं या डूडस कहीं यूज हुआ ही नहीं, सीधे सीधे व्हाट अ शेम। छी छी कहते ना, छी छी आ किसी को देख के मतलब मन खराब हो गया, हाउ डिसगस्टिंग, छी हाउ डिसगस्टिंग, हाउ डिसगस्टिंग, हाउ डिसगस्टिंग। खबरदार, खबरदार हो जाइएगा, बीवेयर संभल कर, संभल कर, कोई भी आपसे कह रहा है कि संभल कर करो भाई, सावधानी से करो, तो वॉच आउट बोलिएगा उसको, वॉच आउट। कोई किसी बच्चे को कहना कि संभल कर करो, सावधानी से करो, वॉच आउट, वॉच आउट। नजर ना लगे हम सब जानते ही हैं, ये तो बोल ही देते हैं आप ज़्यादातर, टचवुड बहुत बोलने लगे सब, टचवुड टचवुड ऐसे। अब चाहे जो हो, अब चाहे जो हो देखा जाएगा, कम व्हाट मी सेंटेंसेस, कोई भी वर्ड ऐसा नहीं जो आपने जल्दी से ना सुना हो, मैं इसे कुछ इसको तो कह सकती हूँ, बाकी सिंपल सेंटेंसेस हैं, बस बोल कितना पा रहे हैं आप पर, आप इस पर डिपेंड करता है। मार्वलस, वेल डन, हे वंडरफुल, ऑफ कोर्स, थैंक गॉड, हरी अप प्लीज, हाउ टेरिबल, हाउ अब्सर्ड, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू, डेयर यू से दैट, हरी अप, रियली What nonsense, what a shame, how tragic, how disgusting, beware, watch out, touch wood, come what may। आपका टोन आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छे से कितना जो है बोल सकते हैं, कितने अच्छे से कितने स्टाइल से, बोला ही जाता है कि एक मिस स्टाइल में बोल रहा है, तो कितनी स्टाइल से आप कितना मतलब बोल सकते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। अदरवाइज यहाँ मुश्किल मुश्किल जो है कुछ भी नहीं है, कोई भी वर्ड मुश्किल नहीं है, कोई भी सेंटेंस मुश्किल नहीं है। मुश्किल है कि हम हिम्मत नहीं करते, हम कोशिश नहीं करते, हमें आता है, हम शर्म है, हमें झिझक है, सिर्फ हमारा अपने ऊपर डिपेंड करता है, बाकी ये मुश्किल नहीं है। मुश्किल है कि हम अपने आप को कितना जो है प्रिपेयर कर सकते हैं, हम अपने आप से कितनी कोशिश कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लर्निंग।